वेलकम टू स्मार्ट कार रिव्यू। एसयूवी मार्केट में कंपटीशन बढ़ता ही जा रहा है, तो फोर्ड मोटर्स इंडियन मार्केट में आते ही सबसे पहले अपनी एक मिड साइज एसयूवी कार को लॉन्च करेगी, जो कि काफी यंग जनरेशन के रूप में नजर आ रहा है। और हालांकि इस एसयूवी कार को ग्लोबल मार्केट में काफी टाइम से सेल किया जा रहा है, इस गाड़ी के अंदर काफी कुछ नया फीचर्स देखने को मिलेगा। और वन ऑफ द बेस्ट एसयूवी इन दिस सेगमेंट में फोर्ड मोटर्स इस कार को बनाने के लिए इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स देगी, जो कि और एसयूवी कार के अंदर देखने के लिए नहीं मिलता, यानी सेगमेंट के अंदर। सेगमेंट में इस गाड़ी को और ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए इसके अंदर एक नया इंजन देखने के लिए मिलेगा, जो कि अधिक से अधिक आपको माइलेज निकाल कर देने वाली है। सारा डिटेल में बात करेंगे इस गाड़ी के अंदर आपको क्या क्या फीचर्स देखने को मिलने वाले हैं, और फोर्ड मोटर्स कब तक इंडियन मार्केट में आ सकती है, और इस गाड़ी को कब तक आप अपने नजरों से देख पाओगे, सारा डिटेल में बात करते हैं। मिड साइज एसयूवी कार को ग्लोबल मार्केट में 2004 से सेल किया जा रहा है, उसी कार को अब इंडियन मार्केट में बिल्कुल नया डिजाइन के साथ लॉन्च करेगी, जिसको फोर्ड टेरी 5 सीटर एसयूवी के नाम से जाना जा रहा है। लेकिन फोर्ड इस कार को कंपैरिजन से बेहतर और बेहतरीन बनाकर लॉन्च कर सकती है, जिससे मार्केट में किया सेल्टोस और हुंडई क्रेटा को और ग्रैंड विटारा को कड़ी टक्कर दे सके। बेहतरीन कारों को कड़ी टक्कर देने के लिए फोर्ड इस गाड़ी के अंदर कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी दे सकती है, जिससे ये गाड़ी बिल्कुल यंग जनरेशन के रूप में नजर आने वाली है। कार के लुक और डिजाइन को काफी बढ़िया और ब्यूटीफुल रखा जाएगा। ओवरऑल इस गाड़ी को बिल्कुल नया जनरेशन के साथ डेकोर किया जाएगा, और सबसे बड़ी बात, कार के अंदर एक पावरफुल इंजन भी ऑफर किया जाएगा, जिसके साथ आप बहुत ही आसानी तरीके से इस मिड साइज एसयूवी कार को ड्राइव कर पाओगे। इस कार को ग्लोबल मार्केट में 7 सीटर और 5 सीटर के साथ फोर्ड कंपनी सेल करते आ रही है, लेकिन फोर्ड 5 सीटर के साथ इस गाड़ी को इंडियन मार्केट में लॉन्च करेगी। लेकिन दोस्तों, अगर वहीं डायमेंशंस की बात कर लेते हैं, तो इस गाड़ी का डायमेंशंस लगभग किया सेल्टोस और हुंडई क्रेटा के समथिंग रखा जाएगा, लेकिन लेंथ में इस गाड़ी को रखा जा सकता है 4330 मिलीमीटर के करीब। ब्रेथ के मामले में 1835 मिलीमीटर के करीब रखा जाएगा, और हाइट के मामले में इस गाड़ी को 1706 मिलीमीटर के करीब रखा जा सकता है, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बिलवेज के मामले में इस गाड़ी को 2690 मिलीमीटर के करीब रखा जा सकता है। ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में 190 मिलीमीटर के करीब रखा जा सकता है। तो दोस्तों, ये एक्सपेक्टेड नहीं बताया जा रहा है, लेकिन हाँ, इससे थोड़ा बहुत ऊंचे नीचे हो सकता है, लेकिन डायमेंशन समथिंग इसी तरीके से रखा जा सकता है। और कार का लुक काफी बढ़िया और काफी खूबसूरत रखा जाएगा, जो कि एक बोल्ड एसयूवी कार का फील देने वाली है। और नाइट विजिबिलिटी में खासकर ये गाड़ी काफी ज्यादा खतरनाक लुक के साथ नजर आने वाली है, क्योंकि इसके DRLs के ऑप्शन को बिल्कुल अलग और बहुत ही ज्यादा सुपर हिट की तरह डिजाइन किया गया है। लेकिन दोस्तों, वहीं फोर्ड कंपनी इस मिड साइज एसयूवी कार को फुल्ली LED लाइट्स के साथ डिजाइन किया है। ब्लैक पियानो का टच इस गाड़ी पे काफी बढ़िया और यंग जनरेशन का रूप में नजर आ रही है। और फोर्ड इस बार इंडियन मार्केट में रिसर्च करते हुए आ रही है, यानी लोगों को क्या चाहिए और कौन सी गाड़ी सबसे ज्यादा इंडियन मार्केट में सेल होती है, और लोग उस गाड़ी के अंदर क्या सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, उन सारे चीजों के ऊपर रिसर्च करते हुए फोर्ड कंपनी इस बार इंडियन मार्केट में एंट्री ले ली है, और अपनी मिड साइज एसयूवी कार को और एंडेवर को इस बार सबसे ज्यादा सेल करने की प्लानिंग में है। लेकिन आप लोग बताना, क्या इस गाड़ी को जब लॉन्च किया जाएगा तो आपको बढ़िया लगेगी, क्या आप इसे घर ले जाना पसंद करेंगे, तो वो सारा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इस गाड़ी के अंदर और क्या क्या नया फीचर्स होना चाहिए आपके हिसाब से, वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय देना। साथ में फ्रंट का लुक देख सकते हैं, एक बोल्ड लुक में दिया गया है, जैसे कि आप अपने नजरों से देख पा रहे होंगे, जिसमें LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प से LED DRLs दिया गया है इस गाड़ी के अंदर। फ्रंट पार्किंग सेंसर, हेडलैम्प्स की सेटिंग थोड़ी सी नीचे रखी गई है, और साथ में सिल्वर स्किड प्लेट का भी ऑप्शन बम्पर के साथ ऑफर किया गया है। साथ में जब आप साइड प्रोफाइल पे चलोगे तो वहां पे आपको डायमंड कट एलॉय व्हील्स देखने को मिलेंगे, जो कि गाड़ी की खूबसूरती में 4 चांद लगाने का काम कर रहा है। कार के ऊपर जब देखोगे तो रूफ रेल का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, वो भी आपको ब्लैक पियानो का टच देखने को मिल जाएगा उसके ऊपर। सिल्वर फिनिशिंग आपको डोर हैंडल्स देखने को मिलेंगे, यानी बॉडी कलर से हटकर, और कार को काफी ज्यादा अट्रैक्टिव और खूबसूरत बनाया गया है। लेकिन अगर आप रियर प्रोफाइल पे आओगे तो वहां पे देख सकते हैं LED लाइट्स दिया गया है, लेकिन दोनों लाइटों को अलग अलग दिया गया है, LED टेल लाइट को, जो अभी ट्रेंड मार्केट के अंदर चला हुआ है कि एक टेल लाइट से दूसरे टेल लाइट को जोड़ा गया है। लेकिन इस गाड़ी के अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, फोर्ड कंपनी अपने गाड़ी को डिफरेंट लुक देने के लिए दोनों टेल लाइट को अलग अलग रखी है। लेकिन हाँ, बिल्कुल खतरनाक लुक के साथ नजर आ रहा है ये गाड़ी, जब आप नाइट विजिबिलिटी में इसके लाइटों को देखोगे तो काफी बढ़िया टच के साथ नजर आने वाला है। साथ में आपको रेयर वाइपर दिया गया, शार्क फिन एंटीना दिया गया, रेयर पार्किंग सेंसर जैसे कई सारे बेहतरीन फीचर्स के साथ इस गाड़ी को लॉन्च किया जा सकता है।
लेकिन दोस्तों वहीं अब बात आती है इस गाड़ी के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, वो है इंजन को लेकर। सबसे पहले मैं आपको वो बताऊंगा कि ग्लोबल मार्केट के अंदर इस गाड़ी के अंदर कौन सा इंजन ऑफर किया जा रहा है। सबसे पहले इस गाड़ी के अंदर 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर इको बूस्ट पेट्रोल इंजन ऑफर किया जा रहा है, जो कि 138 bhp के करीब पावर और 225 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। और लेकिन इस गाड़ी के साथ एक और इंजन भी ऑफर किया जा रहा है ग्लोबल मार्केट के अंदर, जो कि 1.8 लीटर का 4 सिलेंडर इको बूस्ट पेट्रोल इंजन है। और ये इंजन 190 bhp के करीब पावर और 320 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। और ये पावर आउटपुट टोयोटा फॉर्च्यूनर के अंदर इक्वल देखने को मिलेगा, यानी कि टोयोटा फॉर्च्यूनर आपको 201 bhp के करीब पावर आउटपुट निकाल कर दे देती है। खैर, इंडियन मार्केट के अंदर इस कार को 1.5 लीटर इंजन के साथ ही लॉन्च किया जा सकेगा, ताकि प्राइस पर काफी ज्यादा इफेक्ट ना पड़ सके उसके ऊपर, जो कंपटीशन के हिसाब से है मिडसाइज एसयूवी के अंदर, उसी हिसाब से इस गाड़ी का प्राइस रहे। खैर, आप लोग बताना इस गाड़ी के अंदर कौन सा इंजन ऑफर किया जा सकता है, या फिर आपके हिसाब से कौन सा इंजन इस गाड़ी के अंदर होना चाहिए जिससे ये आपको अच्छा खासा माइलेज निकाल कर दे देती है, तो ये आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन दोस्तों, इस गाड़ी के अंदर आपको 1.5 लीटर का ही इंजन देखने को मिलेगा, जिसमें इस गाड़ी के अंदर पेट्रोल इंजन ही हो सकता है। डीजल इंजन का ऑप्शन आपको शायद ही देखने को मिलेगा, इसका अभी तक कोई भी खुलासा नहीं हुआ है डीजल इंजन को लेकर, लेकिन हाँ, इस गाड़ी के अंदर पेट्रोल इंजन ही ऑफर किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, आप वहीं आप बात आती है इस गाड़ी के इंटीरियर लुक्स की। सबसे पहले जैसी आप इस गाड़ी के अंदर बैठोगे तो काफ़ी अच्छा खासा फ्रेशनेस फील आने वाला है, क्योंकि फोर्ड मोटर्स इस गाड़ी को बिल्कुल अलग तरीके से डिजाइन किया है इंटीरियर से। जैसी आप बैठोगे, सामने स्टेयरिंग के पीछे आपको एक बड़ी सी डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, जिसमें टच स्क्रीन डिस्प्ले और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को एक साथ मिला दिया गया, जिससे खूबसूरती एक उभर कर निकल कर आती है, और जिसमें डैशबोर्ड का डिजाइन भी काफी बढ़िया और काफी सॉफ्ट रखा गया है। कार को डुअल टोन थीम के साथ रखा जाएगा, जो कि खूबसूरती में काफी बढ़िया होगी। वहीं कार का डिजाइन लुक नेक्स्ट लेवल का रखा जा सकता है, जिसमें आपको फीचर्स भी नेक्स्ट लेवल के देखने को मिल जाएंगे। साथ में कार के अंदर मल्टीफिकेशनल स्टेयरिंग व्हील ऑफर किया जाएगा, जिसके साथ आपको ऑल पावर देखने को मिल जाएगा। लेकिन कार में बड़ी डिस्प्ले दिया जाएगी, जिससे आप बहुत सारे फीचर्स को एक्सेस कर पाओगे और बड़ी आसानी से आप डिस्प्ले पे देख पाओगे, जो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। और कार के अंदर जो सबसे ज्यादा मजे वाली बात है, वो है इस गाड़ी के अंदर लार्ज पैरामिक सनरूफ, जिसके साथ वॉइस कमांड के भी फीचर्स ऑफर किए जाएंगे। और आज के डेट में लोगों को बातों से ही अपना सब काम कराना चाहते हैं, तो फोर्ड मोटर्स ने इसका भी काफ़ी अच्छा खासा ध्यान रखा है। और साथ में कार के अंदर आपको कनेक्टिविटी के सारे फीचर्स ऑफर किए जाएंगे, जैसे कि वायरलेस चार्जिंग, कोल्ड स्टोर्स, ग्लव बॉक्स, जैसे कई सारे बेहतरीन फीचर्स देखने को मिल जाएगा। साथ में गाड़ी के अंदर आपको लेदर सीट भी ऑफर किया जाएगा, लेकिन केवल टॉप ऑफ वेरिएंट में। और इस गाड़ी के अंदर आपको नेक्स्ट लेवल के फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, कंपटीशन से हिसाब से इस गाड़ी को बिल्कुल बढ़िया रखा जाएगा। और फोर्ड मोटर्स की कोशिश रहेगी कि इस गाड़ी को वन ऑफ द बेस्ट एसयूवी इन दिस सेगमेंट में साबित कर सके। सेफ्टी के मामले में इस गाड़ी के अंदर आपको ऑल एयर बैग ऑफर किया जा सकेगा, और साथ में इस गाड़ी के अंदर आपको 360 डिग्री कैमरा ऑफर किया जा सकेगा। साथ में एडास फीचर्स भी इस गाड़ी के अंदर ऑफर किया जा सकता है। तो अभी तक जितने भी फीचर्स का खुलासा हुआ है, सब मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना। और ये हाँ, फोर्ड की टेरिटरी मिड से जेएसपी कार आपको कैसी लगी, कमेंट में ये भी जरूर बताना। इसको लेकर कोई भी बात हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी आपकी कोई भी राय हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में नई कुछ अपडेट लेकर आऊँगा इस गाड़ी को लेकर, जैसी लॉन्च होगी मैं आपके साथ जरूर शेयर करूँगा। उसके लिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर फॉलो कर लेना।